ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला कर्मचारी की शिकायत पर राज्य कर्मचारी बीमा निगम के यूडीसी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। महिला कर्मचारी के मातृत्व अवकाश के रुके हुए भुगतान के बदले में बीमा कर्मचारी रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त टीम ने आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। लोकायुक्त के डीएसपी विनोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में संविदा कर्मचारी के पद पर पदस्थ महिला ने 20 फरवरी को शिकायत की थी कि उसके मातृत्व अवकाश के रुके हुए 50,000 रुपए के भुगतान के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम के एक यूटीसी शुभम गुप्ता उससे 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने शुभम गुप्ता की डिमांड और फरियादी से हुई बातचीत को टेप कराया गया। महिला कर्मचारी को विशेष केमिकल लगे नोट देकर फालका बाजार स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कार्यालय भेजा गया और महिला ने जैसे ही आरोपी कर्मचारी शुभम गुप्ता को केमिकल लगे हुए नोट दिए, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके हाथ धुलाई गए तो केमिकल के साथ जो है रंग भी निकला। लोकायुक्त ने पकड़े गए कर्मचारी पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दिनांक 20 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय में एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके वो संविदा नियुक्ति है इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उनके मातृत्व अवकाश के लिए यूडीसी द्वारा शुभम नाम है उनके द्वारा लगभग 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। वो शिकायत पर काम करते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश के उपरांत ट्रक की कार्रवाई की गई। आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और जो रकम है भ्रष्टाचार अध्ययन के तहत उसे जब्त किया गया।